नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो है HSRP प्लेट्स के बारे में। और अगर आपको नहीं पता कि HSRP प्लेट क्या होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपकी गाड़ी के अंदर HSRP प्लेट नहीं लगी हुई तो आप बड़े रिस्क में हैं, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के अंदर HSRP प्लेट लगी नहीं हुई तो आपको 10,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है। जी हाँ, 10,000 रुपये फाइन देना पड़ सकता है चलान के तौर पे। सबसे पहले बताता हूँ आपको कि HSRP प्लेट कहाँ से मिलती है। जब आप गाड़ी को परचेस करते हैं तो डीलर आपसे एक एक्स्ट्रा मनी चार्ज करता है HSRP प्लेट के लिए, और उस प्लेट के RTO से नंबर मिलता है आपको। वो RTO आपको या फिर जो ऑथराइज डीलर है वो आपको प्रोवाइड कराता है वो HSRP प्लेट। अब इस प्लेट का फायदा क्या है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। इस प्लेट का आपको डायरेक्टली फायदा नहीं होता, मतलब आप सोच रहे होंगे इस प्लेट को लगाने के बाद आपको कुछ डायरेक्टली फायदा होगा, ऐसा नहीं है। आपको इनडायरेक्टली सारे फायदे हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, ठीक है, और उस गाड़ी को ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा फिर, क्योंकि इस प्लेट की खास बात यह है कि ये जैसे ही थोड़ी सी रोशनी पड़ती है चमकने लग जाती है। CCTV कैमरास के अंदर इसकी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हुई और वो किसी भी CCTV कैमरा के सामने से गई तो जो आपका नंबर प्लेट है ना वो CCTV कैमरा बहुत आसानी से कैप्चर कर लेगा। जो स्ट्रीट लाइट्स के कैमरास होते हैं, जो सिग्नल्स के कैमरास होते हैं, वो आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट को बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। दूसरा होता है कि इसको टेम्पर करना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है उसको टेम्पर करके जो डुप्लीकेट वाली HSRP प्लेट होती है वो लगाई जाती है, या फिर किसी और गाड़ी की HSRP प्लेट लगाई जाती है, तो जो पुलिस पर्सन है वो आपकी गाड़ी को पकड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई गाड़ी चुरा के लेके जा रहा है तो उस गाड़ी के अंदर जो चेसिस नंबर होता है, जो इंजन नंबर होता है, वो RC के ऊपर प्रिंट होता है। लेकिन अगर वो दूसरी किसी गाड़ी की HSRP प्लेट लगा रखी है, HSRP प्लेट के ऊपर भी आपकी गाड़ी का जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं, वो प्रिंटेड होते हैं एक कोड के फॉर्म में, तो वहाँ से वो पता लगा सकता है कि ये गाड़ी चोरी की है। उसके बाद जो फ़ायदा होता है, मान लीजिए रात को आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपके सामने वाला पर्सन आया कि रैश ड्राइविंग कर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहा है, या फिर हिट एंड रन का केस है, तो आपको उस गाड़ी का नंबर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको दिक्कत नहीं होगी उस गाड़ी का नंबर, जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो आपको एक ब्राइट कलर के अंदर, ब्लैक फॉन्ट के अंदर आपको नंबर क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद जो ऑल ओवर इंडिया है वो एक यूनिफॉर्म नंबर दिखाई देगा आपको हर जगह, आपको पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी कि गाड़ी का नंबर क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। मान लीजिए आप पीछे से कोई गाड़ी हिट करके भाग रही है और अगर उसके अंदर HSRP प्लेट लगी नहीं होगी तो आपको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उस गाड़ी का नंबर क्या है। लेकिन अगर उसके अंदर HSRP प्लेट लगी होगी तो पहला CCTV कैमरा कैप्चर कर लेगा, दूसरा आप भी बड़ी आसानी से उस गाड़ी का नंबर नोट कर पाएंगे। तो अभी आपको बताता हूँ कि HSRP कितने कितने टाइप की होती है। सबसे पहली होती है वाइट के ऊपर ब्लैक, यानी कि वो होती है प्राइवेट गाड़ी। उसके बाद होती है येलो के ऊपर ब्लैक, वो होती है कमर्शियल व्हीकल। उसके बाद आती है ग्रीन के ऊपर वाइट, यानी कि वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और अगर ग्रीन के ऊपर येलो है तो मतलब वो इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल है, वो टैक्सी भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, टेम्पो भी हो सकता है, ऑटो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है ब्लैक के ऊपर येलो नंबर, यानी कि वो एक रेंटल व्हीकल है, यानी कि जैसे जूम कार होती है, रेव कंपनी होती है, वो गाड़ियाँ जिनको हम रेंट करते हैं लेकिन चलाते हम खुद ही हैं, तो वो होती है रेंटल व्हीकल। और ब्लू के ऊपर वाइट, लाइट ब्लू के ऊपर वाइट होती है, वो होती है एम्बेसी की व्हीकल। और येल्लो के ऊपर अगर रेड फॉन्ट है तो वो होता है एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये मैंडेटरी रूल हो चुके गवर्नमेंट के, अगर आपके पास ये नंबर नहीं है तो आपको जल्दी से जल्दी जाके अपने नज़दीकी डीलर्स के पास जाके आप इसको ये लगवा लीजिए, क्योंकि इसका अगर नहीं लगवाएंगे तो फाइन 10,000 रुपये है। लेकिन अगर आप दिल्ली और UP में रहते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट का नाम है BookMyHSRP, वहाँ पर जाके आप इस HSRP को बुक कर सकते हैं। आपके घर के ऊपर भी डिलीवरी हो सकती है या फिर आप नियरेस्ट कोई डीलरशिप है वहाँ से जाके कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कलर कोडिंग स्टिकर। अब वो क्या होते हैं कि वो स्टिकर बनाए जाते हैं, वो आपकी गाड़ी के ऊपर लगाए जाएंगे ताकि आपकी गाड़ी का फ्यूल कौन सा है ये मालूम चल सके, आपकी गाड़ी का ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है वो मालूम चल सके, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डेट मालूम चल सके, कि गाड़ी की जो डिटेल्स हैं वो सब मालूम चल पाएगी। लेकिन इसका मेन फायदा ये है कि एक ही नज़र में पता चल पाएगा ये गाड़ी पेट्रोल की है, ये डीजल की है, या इलेक्ट्रिक है। उसमें भी कलर कोडिंग कैसे की गई, लाइट ब्लू अगर कलर है उस कलर स्टिकर का तो वो है पेट्रोल या फिर CNG, अगर उस स्टिकर का कलर ऑरेंज है तो वो है डीजल का, और अगर उस स्टिकर का कलर ग्रीन है तो
तो वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जिन भी लोगों ने अप्रैल 1 तारीख से पहले गाड़ी परचेस की होगी तो हो सकता है कि उनको अपनी HSLP प्लेट्स नहीं मिली होंगी, उन्होंने खुद ही रजिस्ट्रेशन कराया होगा। 1 तारीख से पहले जितने भी लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है उनको मैंडेटरी है कि उनको अपनी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को कन्वर्ट करा के HSLP में कन्वर्ट कराना है। लेकिन 1 तारीख के बाद जिसने भी गाड़ी परचेस की है उसको HSLP प्लेट मिलेगी ही मिलेगी, कंपलसरी है, ये डीलरशिप के थ्रू ही जाना है। डीलरशिप को ये रूल बनाया गया है कि उनको ये HSLP प्लेट देनी ही देनी है, उसके बिना गाड़ी को वो छोड़ नहीं सकते शोरूम से। और कलर स्टिकर आपको उसके साथ ही मिलेगा अगर आपने नई गाड़ी परचेस की है। अगर आपकी पुरानी गाड़ी है तो आपको अलग से उसको ऑर्डर करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आपको पता क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।